तो दोस्तों एमसीयू में हमें दिखाया गया स्टॉर्म ब्रेकर वेपन है थोर का, जबकि कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉमिक्स में स्टॉर्म ब्रेकर का असली मालिक बीटा रे बिल है, और वो कैसा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार थोर बीटा रे बिल के शिप को गलती से दुश्मन का शिप समझ लेता है और उस पर अटैक कर देता है, और अपने शिप को प्रोटेक्ट करने के लिए बीटा रे बिल थोर से फाइट करने लगता है, और उन दोनों की फाइट के दौरान थोर का हैमर उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे बीटा रे बिल उठा लेता है, वो भी बड़े आराम से, और उसके पास गॉड ऑफ थंडर की सारी पावर्स आ जाती हैं, जिसके बाद वो सीधे एसगार्ड ओडिन के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। और ओडिन के कहने पर भी बीटा रे बिल थोर को हैमर नहीं देता, जिसके बाद ओडिन बीटा रे बिल से कहते हैं, अगर तुम्हें हैमर चाहिए तो तुम्हें थोर से फाइट करनी होगी और उसे मारना होगा, जिसके लिए बीटा रे बिल मान जाता है, और वो थोर से फाइट भी करता है, उसे हरा भी देता है, लेकिन वो उसे मारता नहीं। जिसके बाद ओडिन बीटा रे बिल से कहते हैं, ये हैमर तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि हैमर के लिए तुम्हें थोर को मारना था। लेकिन ओडिन बीटा रे बिल से इंप्रेस हो चुके थे, और उन्होंने उरु मेटल से ही म्यूनिट जितना पावरफुल हथियार बनवाया, जिसे बाद में बीटा रे बिल को दिया गया, और जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर।